तने ओ अरे तू छाती पे लाग रही है गाना तो चलो रो जय संग एक और चल लो ए मेरे दर्द पेट में पड़ गो चलो ना चलो ओए ने के हिसाब किताब में एक गानो ही तो गा रहो इनते कछु कछु तोड़ी कह रहो मैं हिसाब में बेटा ए सोना कह रहो के जा में कितना पानी है और भैया जो और कह रहे बाबा हाथ उठा जाको जवाब दे दूं जब तुम्हें ही जवाब देनो तो हम कहीं आलू बीच में आई मेरे दर्द पेट में पड़ गो धीरे से जहर उतर गो दे मेरे दर्द पेट में पड़ गो धीरे से जहर उतर गो खाए गए रात तैयारी हो जब ततैया खाया तो क्या हुआ अरे मो खाए गए रात तैयारी हो मैया अंधे के सुने अंधे बेढंगो ही जाए रहो अपनी अम्मा से आज मिलवे तू तो नंगो ही जाए रहो अब सुनिए दुर्योधन का जवाब आजा के दुर्योधन कहने लगा चो मेरो रहे और रस्ता अरे मोए से ही जानो माँ के सामने क्यों रहे हो मेरो रस्ता रो आप कह रहे थे मर्यादा तोड़ी और तोड़ दे धर्म अब ये दुर्योधन कह रहा है कि नहीं आजी तुम्हें तो सब पता है अरे खोलेगी पट्टी मैया आंखें हैं नम ये खोलेगी पट्टी मैया आंखें हैं नम बेटा अलगे अलगे अरे खोलेगी पट्टी मैया आंखें हैं नम और कान्हा जी काहे को कर रहे सितम खोलेगी पट्टी मैया आंखें हैं नम कान्हा जी काहे को कर रहे सितम अरे निन्यान पे बर गए वाके निन्यान पे मर गए वाके माँ को है गम गंधारी के आगे ऐसी जाएंगे हम ये निन्यान पे मर गए वाके माँ को है गम और गंधारी के आगे ऐसी जाएंगे हम और तुम्हारा दिल कहे के जवाब सही है दुर्योधन का तो तालियां बजा देना अन्यथा बच्चा हूं आपका जूता फेंक के मार देना कोई गम नहीं है दुर्योधन कह रहा है सुनो कन्हैया जी तुम कह रहे कि नंगोई जा रहे हो चो जा रहे हो तो अब ये दुर्योधन कह रहा है सुनो देख बाके मर गए निन्यानबे माँ को है गम गंधारी के आगे ऐसी जाएंगे हम अगर भव सागर से तरनो है कर भव सागर से तरनो है तो फिर गंगे ही जाना पड़े कितनी दूर है यहां पे ज्यादा दूर तो ना है अगर भव सागर से तरना है तो फिर गंगे ही जाना पड़े और अब चाहूंगा तालियां भैया हाथ खोल के अगर बात सही हो अगर भव सागर से तर जाना है तो फिर गंगे ही जाना पड़े अगर वज्र काया करनी है तो फिर नंगे ही जाना पड़े अगर वज्र काया करनी है तो फिर नंगे ही जाना पड़े वज्र काया करनी है फिर नंगे ही जाना पड़े अब आ गए कन्हैया की बातों में आ
सो रहो, ये कन्हैया को बचन देखो कच्चो रहो, और बोला काना ने देखो अच्छो रहो, और गुप्त अंगों पे वाने केला बांध लयो। अरे गुप्त अंगों पे केला को पत्ता बांध लयो, जंगा से दुर्योधन कच्चो रहो, गाने हैं तो मन चंगे ही जाना पड़े। अगर रसिया गाने तो मन चंगा यानी कि खुशी हो, जिना के एक को है तो वेरो, एक को है तो वेरो का नाम रामू ना कर रही। अगर रसिया ही गाने हैं तो मन चंगे ही जाना पड़े, अगर वज्र काया करनी है तो फिर नंगे ही चुन्नी भट्टी वाले उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार में आशीर्वादी का। और रवि मस्ताना जी ताले वाले ये भी पुरस्कार देकर के गए हैं, बार बार धन्यवाद। कमाल और मेरा तो रखे हमेशा ख्याल, ये ऐसे कहे नाथ गोपाल, ऐसे आजाब। एक उधर से बहर और आई थी, इनकी बहर का जवाब और 2 मिनट में दूंगा, और उसके बाद अपनी तरफ से एक गीत रखूंगा आप लोगों के चरणों में। रामा साहब तेरो दिमाग खराब है वो दीदी, दिमाग खराब ना है वो। जब एक बात बता दो बिजली को भरोसा ही ना है तो फिर भाई इन्वेटर के लो तो बिजली चाहिएगी भैया। चौसा सूरज प्लेट लगवा दियो, बाबरी हैगी जगह का लगवाओगे मेरे? सूर्य प्लेट तो बेकार है, वो ज्यादा देर ना ऐसा, अभी जाड़े आए ना है, अभी गर्मी लगेगी तो तेरी गर्मी को इंतजाम करूं? हां बताओ। सुन देख को, अरे खटिया, अरे खटिया मेरी जान, सुनो
अट्टा में चल मजा आ जाए। अट्टा की बात कर रहे हो भाई, मच्छर बहुत हो, मच्छर है, मच्छर बहुत लगेंगे अट्टा पे जब नीचे इतने एक मच्छर ना लगाओ घबरा बताओ आए तू देख मच्छर आओ भी जोरे जीना आवे को मां अरे मुई आनो बरो भाई जाकी मो माननी पड़ेगी बिल्कुल हां जाकी तो माननी पड़ेगी। अच्छा मच्छर को अगर इंतजाम सही लगे तो ने ताली बजा के स्वागत कर दीजिए मैडम का। मच्छर एक तेज हो रहा जाए तो गारंटी है बोलो ए अरे ऊपर अरे ऊपर नीचे तेल लगाए लियो गोरी तेलो तेल तेल लगा के सोंगे ऊपर देख ले अब दे, देख ले तू चुबाई एक बार तो मच्छर को तेल नहीं आम तुई हाथ उठा के बताओ ऐसा सुनो फिर अगरबत्ती तो आवत है मच्छर की अगरबत्ती चौरे में अपनी माँ को कन्या दान लिख लियो दादा एरे बेटी ले रही है अपनी माँ को कन्या दान अचंबो देखो लेखन में। अब वो माँ का कन्या दान कौन ले रही थी वो बेटी कौन थी मैं तीनों के नाम खोल के बता रहा हूं जहां तक मेरी बुद्धि पहुंची है देख एरे जमाई बन करे के एरे जमाई बन करके मैं या जमाई बन करके एरे एरे जमाई बन करके द्वार पे आए भगवान एरे जमाई बन करके मेरे भैया जमाई बन करके देवेंद्र गुरु एरे ले रही है कन्यादान अचंबो देखो लेखन में। अब मैं क्या कह रहा हूं एरे जमाई बन करके तो आए गए भगवान अरे लज्जा है कैसी दे खाना में अरे सुने ना की माता लाग लक्ष्मी सुने ना की माता लाग लक्ष्मी। हाँ जी भैया लिखो बेटी का नाम था सुनेना जो राजा जनक की पत्नी थी और सुनेना की मां का नाग था नाग लक्ष्मी जो शेषनाग की पत्नी थी और वही जो सुनेना की मां थी बड़े जो सुनेना की मां थी नाग लक्ष्मी वही अगले जन्म में उर्मिला बनकर के आई तो सुनेना ने स्वयं अपनी मां का कन्यादान लिया था जो नागलक्ष्मी उर्मिला के रूप में आई हुई थी। क्या बात है सुनेना बेटी मां का नाम था नागलक्ष्मी जो त्रेता में उर्मिला बनकर आई थी तो सुनेना ने खुद अपनी मां का कन्यादान लिया था और लक्ष्मण जी के लिए शादी कराई थी। समझ में आएगी भैया अरे सुने ना की माता नाग लक्ष्मी हाँ सुने ना की माता नाग लक्ष्मी जो उर्मिला बन के आई ये सुने ना की माता नाग लक्ष्मी उर्मिला बन के आई अपनी माँ की भाई सुने ना ने देखो शादी करवाई और भी हो सकता है
क्योंकि पूर्ण ज्ञानी तो कोई नहीं है भैया, आपका लिए कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरी बुद्धि पहुंची है वो सही है। देख एरे जा रसिया बाजी में मेरो बहुत बड़ो ऐलान, अरे लज्जा है कैसी दे जरूर कहूंगा आपकी मंच पे, पहली बार आया हूं मैं तो, रसियाबाजी में जनाने बहुत हैं, जनाने रसियाबाजी में बहुत हैं। मैं भी 11 साल जनाना बना, लेकिन अंतर इतना है कि मैं जनाना बनकर के मैंने अपने ही नाम से गाड़ी को चलाया, ये भी जनाना बन रहा है, उधर नाच रही है वो भी जनाना है, और भी अखाड़े हैं, अखाड़ों में बहुत जनाने हैं। लेकिन ईमानदारी की बात अगर की जाए तो पूरी रसियाबाजी में जो मेरे गुरु रमेश जनाने थे, ऐसा जनाना ना तो हुआ, क्या बात है, और ना ही रसियाबाजी में कोई हो सकता है। तो जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है अपने गुरु की छाप लगाते हुए, तेरे गुरु मेरे साहूकार ने कोई मोए बतायो ज्ञान, अरे लज्जा है कैसी देखन। क्या कर रहे हो भैया, मैं जनता से पूछना चाहूंगा, ईगो कम करो थोड़ी, कोई